पुलिस कहती है कि उसने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी और उसके बाद इस शातिर को चाल में फंसा गया। हालांकि गुनाह को अंजाम देने वाले ये शातिर कहती है कि उसका कोई गुनाह ही नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वारदात के पीछे की तस्वीर क्या है और कैसे शुरू हुई गुनाह की ये दास्तान। तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है तो तुम ये रखो बच्ची के लिए और हमारा रिश्ता नहीं रह सकता। जबरदस्ती हमें दिए जा रहे थे कि नहीं कोर्ट में केस मत करो, चल चल ये पैसे रख लो, तुम्हारी बच्ची का जीवन है, कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता है, तुम रखो। मैं तो लेना ही नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती दिए तो। यूं तो इस शातिर गुनहगार ने वारदात में अपने खूब हाथ दिखाए हैं, लेकिन इस बार इसके गुनाह का जाल पुलिस ने तोड़ दिया। दरअसल 25 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में रहने वाले तहसीलदार संदीप कुमार ने अशोकनगर थाने में मामला दर्ज करवाया कि सितंबर 2015 में उसकी रिट पिटीशन की सुनवाई के सिलसिले में वकील देशराज सिंह से मुलाकात हुई थी। उस वक्त वकील देशराज ने चंचल कंवर से ये कहते हुए उसका परिचय करवाया कि उसके माता पिता नहीं हैं और उसके पति के साथ चंचल का आपसी विवाद चल रहा है और चंचल उसकी मुवक्किल है, इसकी कानूनी मदद करवा दो। इस दौरान चंचल ने एडवोकेट देशराज सिंह से संदीप कुमार के नंबर ले लिए और कुछ समय बाद ये शातिर ब्लैकमेलर संदीप को फोन करने लगी। चंचल जब कभी भी संदीप को फोन करती तो खुद को मजबूर बताती। इस शातिर ने तमाम तरीकों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। धीरे धीरे चंचल संदीप को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे बोलने लगी कि वो उससे मोहब्बत करती है। उसकी इस हरकत से परेशान होकर संदीप ने चंचल का फोन उठाना बंद कर उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। कोडिंग है कि एक बार किसी मंत्री से मुलाकात करवा दो और उसके बाद फिर मेरा काम फिर देख लो। तो उस समय ये कहा था कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि भवरी बन जाऊँ, बाकी इसका उड़ान काफ़ी ऊंची थी, टारगेट ऊंचा था और बड़े लोगों की को शिकार बनाने की तलाश में थी। अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी बातें हैं, उससे तो ये लग रहा है कि ये इसका पेशा है, कई अधिकारियों को भी इसने उसका शिकार बना रखा है, उनकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, सचिवालय का भी नाम लेती है, सचिवालय की भी अधिकारियों की इसने रिकॉर्डिंग कर रखी है, एक तांत्रिक है उससे भी बात करती थी कि कैसे भी इसकी तहसीलदार को ले आओ और मैं इसको फंसा दूँगा, तो उसने कहा भाई कोई भभूति वगैरह हम दे देंगे, आप उसको मिला के पिला देना तो ये बस में आ जाएगा। तो इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं और इसकी कई रिकॉर्डिंग जो पुलिस की मौजूदगी में भी हुई है, तो कुछ मीडिएटर्स भी हैं इसमें शामिल जो मध्यस्थता कर रहे थे एक्सटॉर्शन के लिए। लेकिन इस शातिर का जाल यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर 17 फरवरी को चंचल संदीप के घर पर पहुंच गई और उसे एक सीडी थमाकर बोली कि इसे ध्यान से सुनना और मुझसे संपर्क करना। उसी दिन संदीप ने वकील देशराज से संपर्क किया तो उसने संदीप को हाईकोर्ट बुलाया। जब संदीप हाईकोर्ट पहुंचा तो चंचल वकील के पास पहले से मौजूद मिली। चंचल ने कहा कि सीडी सुनने के बाद मुझे 5 लाख रुपये पहुँचा देना, वरना तेरा सब कुछ तबाह कर दूंगी और बलात्कार का मामला दर्ज करवा दूंगी। इतना ही नहीं, चंचल ने संदीप को संदीप की पत्नी अंजना की भी धमकी दी
कि धारा 376 का मुकदमा दर्ज करने की एवज में अंजना शेरावत भी मुझे 5 लाख रुपए दे रही है। दरअसल संदीप का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है, जो मामला कोर्ट में है। अशोकनगर थाने में आई इस शिकायत पर अशोकनगर थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस शातिर महिला ठग की सभी कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की गई और जाल बिछाया गया, जिसके बाद जयपुर के वैशाली नगर से चंचल और उसकी सहयोगी को 7 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है तो तुम ये रखो बच्ची के लिए, और हमारा रिश्ता नहीं रह सकता। जबरदस्ती हमें दिए जा रहे थे कि नहीं कोर्ट में केस मत करो, चंचल ये पैसे रख लो, तुम्हारी बच्ची का जीवन है, कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता है, तुम रखो। मैं तो लेना ही नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती दिए। इसका उड़ान काफी ऊंची थी, टारगेट ऊंचा था और बड़े लोगों की शिकार बनाने की तलाश में थी। उस पैसे की बाकायदा जो उसने 7 लाख रुपए पुलिस को हैंडओवर किए, उसकी फर्द बनाई गई, उसके नंबर नोट किए गए और उसके बाद इसको हिदायत दे के रवाना किया गया कि पैसे जो है आप जो पैसे हैंडओवर कर देते तो मुकर्रर इशारा किया कि इशारा कर देना। SHO बालाराम जी, उनके नेतृत्व में टीम, सादा कपड़ों में टीम को भेजा गया, तो वहाँ पर इन्होंने जैसे ही 7 लाख रुपये लिए और बैठ के स्कूटी पे जाने लगी। इसकी दोस्त है जो प्राची है, प्राची के माध्यम से भी ये मध्यस्थता करती रही है, ब्लैकमेलिंग का पैसा मांगती रही है। तो वहाँ पे इनको हमने जब पूछा तो वही पैसे इनसे बरामद हुए, 7 लाख रुपए, और इसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने यहाँ अपनी कार्रवाई तो कर ली और इस शातिर के गुनाहों की कुंडली का भी खुलासा कर दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस महिला आरोपी ने अभी तक किन किन को अपने जाल में फंसा है, इसे जानना भी खाकी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। और ये भी साफ है कि अगर पुलिस गहनता से अपनी तहकीकात करती है तो अभी दूसरे और भी चेहरों से नकाब उठ सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल पकड़ी गई इन दोनों महिलाओं को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से इन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। हालांकि अभी पुलिस कहती है कि महिला की CD की भी जांच कराई जाएगी। वहीं पीड़ित नायब तहसीलदार की पत्नी की इस मामले में क्या भूमिका रही है, उसकी जांच भी की जा रही है। फिलहाल डायल 100 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक उस महिला के बारे में जिसने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने मासूम का सौदा कर डाला और वो बन गई गुनहगार। बताएंगे ब्रेक के। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। PCR कंट्रोल रूम 104 में 107 जानते